बिग बॉस ने सभी को लिविंग एरिया में बुलाया और बताया कि यह हफ्ता काफी खास होने वाला है क्योंकि इस घर के कई वीवीआईपी आने वाले हैं। इस दौरान बिग बॉस सभी को बताते हैं कि वह बीच बीच में सभी को फ्रीज और रिलीज कहेंगे। इसके बाद बिग बॉस सभी को फ्रीज होने के लिए कहते हैं, तभी घर में फराह खान की एंट्री होती है। घर में आते ही फराह सबसे पहले साजिद से गले मिलती है और इमोशनल हो जाती है, बताती है कि वह अच्छा खेल रहे हैं। इसके बाद फराह सभी से बारी बारी मिलती है। शो में आगे फराह सभी से हंसी मजाक करती दिखती है। वह बताती है कि यह अब तक का सबसे अच्छा सीजन है। इसके बाद बिग बॉस सभी को एक बार फिर फ्रीज होने के लिए कहते हैं। इस बार घर के अंदर शिव की माँ आती है, से हंसी खुशी से मिलती है। इस बाद घर में प्रियंका के भाई प्रवेश करते हैं। शो में बिग बॉस बताते हैं कि घर में फराह, शिव की माँ और प्रियंका का भाई आए हैं, इसलिए आज साजिद, शिव और प्रियंका किसी भी एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकते हैं। शो में आगे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। बिग बॉस बताते हैं कि इस बार नॉमिनेशन में फराह, शिव की माँ और प्रियंका का भाई भाग लेंगे। बिग बॉस सबसे पहले फराह को बुलाते हैं और बताते हैं कि इस नॉमिनेशन के साथ घर वालों के पास कमाई हुई राशि वापस पाने का मौका है। बिग बॉस घर वालों को तीन कैटेगरी में बांटते हैं, सुपर एक्टिव, एक्टिव और लॉस्ट। फराह लास्ट कैटेगरी को नॉमिनेट करती है। इसके बाद सभी सदस्य बारी बारी से इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद लॉस्ट कैटेगरी के निमृत, श्रीजिता, स्टैन और सुम्बुल नॉमिनेट हो जाते हैं।